सीयूटी के बारे में 5 मिनट में आप सारे बातों को जान सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए 5 मिनट में यानी विद इन 5 मिनट्स में सीयूटी के बारे में यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आप जान सकते हैं, जो कि 2023 के लिए काफी लोगों ने मेरे को फोन किया। यानी अगर अभी आप 12 का एग्जाम में अपीयर हुए हैं, दिए हैं, या अभी तक आपका एग्जाम चल रहा है, तो किन किन बातों का ख्याल रखना है अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेके करियर को ब्राइट करना चाहते हैं। तो फिर 5 मिनट दीजिए। सबसे पहले अगर अभी तक आपने माथुर सर क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर तो बनता है। तो 5 मिनट दीजिए और देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको यह जानना है कि लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी फॉर्म जो आप भरेंगे उसका लास्ट डेट क्या है, 12 मार्च। 12 मार्च तक ऑनलाइन आप फॉर्म भर दीजिए। आप बोलेंगे सर कौन कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? अगर कोई 12 पास है वो भी भर सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट नहीं है। अभी आप एग्जाम में अपीयर हुए हैं, एग्जाम दिए हैं, और फ्यूचर में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीबीए कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको 12 मार्च तक फॉर्म जरूर से भर देना चाहिए। तो 12 मार्च क्यों, एकदम 12 मार्च में अगर कहीं ट्रैफिक ज्यादा रहा तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, अभी भर दीजिए। फीस भी आपको पे करना है 650, 600, 550। जब आप फॉर्म भरेंगे वहां फीस के लिए आएगा तो आप उसको भर सकते हैं। अब देखेंगे जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भरा, अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो बाद में विंडो खुलेगा, 15 से 18 मार्च तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम्स, एग्जाम का डेट कब होगा, 21 मई से स्टार्ट होगा, 31 मई तक चलेगा। अब बोलेंगे सर इसमें क्या क्या चीज का तैयारी करना पड़ेगा, वो भी हम आगे बताएंगे। एडमिट कार्ड 2nd week of May आप डाउनलोड कर सकेंगे, रिजल्ट 3rd week of June में आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ये सीयूटी 2023 में कितने यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये सेकेंड बार हो रहा है, 22 के बाद 23, तो देखेंगे 129 यूनिवर्सिटी अभी तक पार्टिसिपेट करेंगे, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 21 स्टेट यूनिवर्सिटी, 13 डिम्ड यूनिवर्सिटी, कहीं कहीं आप देखेंगे कि 102 यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया है, 44 सेंट्रल एंड 58 अदर्स। एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगा सीयूटी का, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, मतलब आप कहां पर जाके फॉर्म भरेंगे, तो देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट cut.samarth.ac.in। मोड ऑफ एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और क्वेश्चंस जो भी आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब आप बोलेंगे सर सारा बात तो जान गए, सारे इंपॉर्टेंट डेट सब कुछ पता चल गया, तो सर सिलेबस, एग्जाम्स का पैटर्न और तैयारी कैसे करें, इसके बारे में भी जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो अब सिलेबस और एग्जाम्स पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B लैंग्वेज का है। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज में से कोई आप एक चॉइस कर सकते हैं, सेक्शन 1B में 20 में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। तो यार कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हिंदी वाला हिंदी करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश करेगा, उर्दू वाला उर्दू करेगा, सिंपल सा बात है। 50 क्वेश्चंस, उसमें से 40 क्वेश्चंस का जवाब देना है 45 मिनट्स। अब आइए डोमेन, यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यही मेन सब्जेक्ट है। कॉमर्स वाले कॉमर्स का सब्जेक्ट चुनेंगे, साइंस वाले साइंस का सब्जेक्ट चुनेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स का सब्जेक्ट चुनेंगे, यही है। तो 1 subject out of 27 में कोई एक आपको चुनना है, 45 मिनट, और सब तो आपको मैंने बताया है कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। मेन जो है ना खेला यहां पर होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होता है, 60 में से कोई 50 करना है, 60 मिनट। यानी हिंदी इंग्लिश तो कोई भी कर लेता है, हम यहां पर एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉमर्स के लिए। हिंदी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज से हिंदी इंग्लिश ले लिया, डोमेन से मैथ और अकाउंट में से कोई एक ले लिया जिसका जो अच्छा है, इकोनॉमिक्स BST, क्योंकि यहां पर आपको 3 चुन लेना पड़ता है, और ये जो GT है ना इसके नंबर, क्योंकि अभी आपको पता है कि 12 में आप कितना भी नंबर ले आइए, अगर आप 500 में 500 भी ले आते हैं तो इससे अगर आप सोच रहे ना
कि हमको कोई भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरा नंबर इतना अच्छा है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सीयूटी में बोला ही गया है 2023 में 12 का मार्क्स नहीं देखा जाएगा, सीयूटी का मार्क्स देखा जाएगा। तो सीयूटी में मार्क्स आपको लेकर आना है, वहां प्रूफ करना है कि आई एम द बेस्ट। तो जैसे अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट सोचता है कि हम बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं, तो हिंदी इंग्लिश में कोई एक ले लीजिए, मैथ और अकाउंट में कोई एक ले लीजिए, इकोनॉमिक्स और बीएसटी ले लीजिए, और ये जो जीटी है ना, यही जीटी उसको बोलते हैं जहां पर जीके जीएस रीजनिंग मैथ, यानी जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना उसके लिए यहां पर जो चीज है। तो इसका हम लोग तैयारी करवा रहे हैं बहुत जल्दी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप सीयूटी दे रहे हैं तो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आप खुद से तो कर लेंगे, मैथ अकाउंट आप खुद कर लेंगे, इको और बीएसटी सब जिस लेवल में आप पढ़ें वही होगा, लेकिन जो जीटी है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ट्यूशन लेना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा मार्क्स सीयूटी में ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात का है, आज से तैयारी में जुट जाइए, सारा इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिल चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सर नेक्स्ट वीडियो सीयूटी के बारे में क्या होगा, तो वहां पर हम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जामिनेशन का तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में हम बताने आएंगे पार्ट टू में। क्या आप इंटरेस्टेड हैं पार्ट टू के लिए, तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर पार्ट टू जितना जल्दी हो सके लेकर आइए, तो हम पार्ट टू आपके लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।